بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم बुजुर्ग और प्यारे भाइयों, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 और 27 की आपके सामने तिलावत की है। इन आयतों का तर्जमा ये है कि और आप दीजिए रिश्तेदारों को उनका हक और मिस्कीन यानी मोहताजों को और मुसाफिरों को और फजूल खर्ची मत कीजिए। यकीनन फजूल खर्ची करने वाले वो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुकरा है, नाफरमा बंदा है। जैसा कि हमें मालूम है, हमारी बात हुई थी कि इन आयतों में 12 वो अहकाम बताए जा रहे हैं जिन पर अमल करके आदमी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। उनमें से पहला हुक्म तौहीद के बारे में था, दूसरा माँ बाप के साथ ताज़ीम और तकरीम के मुतालिक था, उनके हुकूक को अदा करने के बारे में था। आज जो आयतें पढ़ी गई उसमें दूसरे दो हुकूक बयान किए गए, एक तो रिश्तेदारों को उनका हक देना, रिश्तेदारों के साथ साथ मिस्कीनों को भी देना, मुसाफिरों को भी देना, यानी हुकूकुल इबाद की अदायगी, ये तीसरा हुक्म है दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए। और चौथा हुक्म है वला तुबद्दिर तबदीरा, फजूल खर्ची न करो। इन आयतों में दो चीज़ें हमारे सामने हैं, हक वालों को उनका हक अता करना, देना और फजूल खर्ची से बचना। शरीयत ने बहुत सारे मौक़ों पर अपने मानने वालों को ये हुक्म दिया है कि वो अपना कमाया हुआ माल खर्च करें। सबसे पहला सवाल यह है कि शरीयत आखिरकार माल खर्च क्यों करवाती है हमारे पास? माल और दौलत के बारे में शरीयत का उसूल क्या है? तो ये बात जाननी चाहिए कि माल और दौलत के बारे में शरीयत ये चाहती है कि ये माल और दौलत किसी एक आदमी के पास या किसी एक जमात के पास जमा ना हो जाए, बल्कि ये घूमता फिरता रहे। क्योंकि माल जब किसी एक आदमी के पास या एक जमात के पास जमा हो जाता है तो समाज, मुआशरे और सोसाइटी में लोगों की दो जमातें बन जाती हैं, एक मालदारों की और एक गरीबों की। पिछली एक दो सदियों से लगातार ये नारे दिए जा रहे हैं कि गरीबी हटाओ, यानी इसका मतलब ये है कि सबको एक लेवल पर लाके खड़ा कर दो, सब मालदार हो जाना, सबकी माली पोजीशन अच्छी हो जाना। लेकिन ये सिर्फ नारे हैं, उससे आगे उसकी कोई हकीकत नहीं। नारों के मुकाबले में उनकी खुद की पॉलिसी ये है कि मालदार ज़्यादा मालदार होता जा रहा है और गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इस तरीके से समाज और मुआशरे और सोसाइटी में दो तबके हो गए हैं, एक गरीब तबका और एक मालदार तबका, और दिन ब दिन दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही है। शरीयत हमें ये पहले से हुक्म देती है कि समाज और मुआशरे और सोसाइटी में ऐसे तबकात नहीं होने चाहिए। ये पोजीशन उस वक्त पैदा होती है जब माल और दौलत किसी के पास जमा हो जाए और दूसरों के पास ना हो। इसलिए शरीयत बहुत सारे मौक़ों पर हमें माल खर्च करने का हुक्म देती है ताकि जिनके पास नहीं है वो भी थोड़े बहुत हमारे लेवल पर आ जाए, वो पीछे न रह जाए, ज़्यादा फासला न हो दो तबकों और दो जमातों के दरमियान। इसलिए बहुत सारे मौक़ों पर शरीयत ने हुक्म दिया कि माल खर्च करते रहो। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर माल खर्च करने का हुक्म न दिया जाए तो आदमी सिर्फ दुनिया का बंदा बनकर रह जाए, आखिरत को भूल जाए, दुनिया परिस्थिति, दुनिया परस्ती उसके अंदर पैदा हो जाए, फिर वो अल्लाह को, आखिरत के दिन को, जन्नत दोजख सबको भूल जाए। और आज के दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए अपनी तमाम कोशिशें सर्फ करते हैं,
उनके हर काम के पीछे उनका मकसद दुनिया कमाना होता है। ऐसे लोगों को दुनिया परस्त या मादियत पसंद हम कहते हैं, कि उनका मतमही नज़र, उनकी तमाम कोशिशों का आखिरी हद उनकी यही है कि दुनिया किसी तरह हासिल हो जाए, चाहे सूद के जरिए, कि सूद ले लेकर जिसके पास से ले रहे हैं उस गरीब की क्या हालत हो रही है, क्या पोजीशन हो रही है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। सामने वाला किस तरीके से हमारे हफ्ते अदा कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी जेब बढ़ती रहनी चाहिए। ये उन लोगों का काम है जिन्होंने दुनिया को अपना मकसद बना लिया है, मालो दौलत ही को सब कुछ समझ लिया है। कुरान ने कई जगहों पर ऐसे लोगों के सामने अलग ऐलान जंग किया है, उनकी मुखालफत की है कि तुम्हारा ये नज़रिया कि दुनिया ही सब कुछ है और दुनिया में जो असबाब है वही सब कुछ है वो बिल्कुल गलत है, इसके पीछे तो अल्लाह की कुदरत काम कर रही है। अगर तुमको नज़र में आता है तो ठीक है, अगर नज़र नहीं आता और तुम दुनिया के बंदे बनकर रहोगे तो तुम नुकसान उठाओगे। यूरोप के जो ममालिक है पैसों के एतबार से जिनकी माली हालत बहुत अच्छी है, उनके वहाँ भी यही है मादियत पसंदी कि दुनिया आनी चाहिए चाहे किसी भी तरफ हो। इसीलिए आप जानते होंगे कि गुज़िश्ता साल बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश की सबसे बड़ी शख्सियत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम जात भी हयात है, अल्लाह ताला उनके साये को तादिर कायम और दायम रखे, उम्मत का बहुत कीमती सरमाया है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। उनके ऊपर हमला हुआ था, उनकी गाड़ी पर बहुत करीब से गोलियाँ चलाई गई, उस हमले में उनका जो ड्राइवर था वो शहीद हो गया, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मुफ्ती साहब सही सलामत बाकी रहे। फिर जब बाद में हमले के बाद उसका तजजिया किया गया, उसकी वजह मालूम की गई, रीज़न देखा गया कि क्यों उन पर हमला किया गया और किन्होंने किया होगा, तो एक बड़ी वजह सामने आई कि मुफ्ती साहब ने एक जुम्बेश चलाई है, एक तहरीक चलाई है। कौन सी? गैर सूदी बैंकारी। बैंकें जो हैं उनका कारोबार क्या है? सूद। आप मालदार हैं, आपके पास से 1000 रुपये लेंगे, गरीब को 1000 देंगे, गरीब के पास से 1100 रुपया लेंगे, 100 ज़्यादा लेंगे, आपको 1000 पर 50 देंगे और 50 अपनी जेब में रखेंगे। इनका मुफ्त का धंधा है और उसी पर पूरा सिस्टम चल रहा है। मुफ्ती साहब ने उनके खिलाफ़ एक तहरीक चलाई, गैर सूदी बैंकारी, यानी बैंक तो हो जहाँ ज़रूरतमंद को ज़रूरत के मौके पर कर्जा मिल जाए लेकिन उसको सूद अदा ना करना पड़े, इस्लामिक बैंक का। इस तहरीक से सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप वालों को होता है कि सूद खाने की जो उनकी आदत है, इंसानों का खून चूसने की जो आदत है, उन पर कारी जर्ब लगती है, उनके ये गोरख धंधे बंद हो जाते हैं। तो एक रीज़न ये सामने आया कि इस वजह से उन लोगों ने मुफ्ती साहब पर अटैक करवाया। तो ये होते हैं दुनिया परस्त लोग कि सामने वाला बेचारा किस तरीके से पैसे रिटर्न कर रहा है, कैसे हफ्ते भर रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है, उनको दुनिया चाहिए। और ये बीमारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आखिरत को न मानने वालों में है, अल्लाह और आखिरत को मानने वालों में भी पाई जाए। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी ऐसे हैं कि उनको सिर्फ पैसे चाहिए, सामने वाला किसी भी तरह दे रहे, मैं नहीं जानूँ। मैं अपना एक तजर्बा आपको बताता हूँ कि 2019 में उमरा के लिए गया, तो जब वहाँ उतरा मक्का में तो तकरीबन 2:30 या 3 बजे हुए थे, तहज्जुद के लिए अजान हो रही थी। अब मैं अजनबी आदमी, सबसे बड़ा मसला तो वहाँ उतर कर ये होता है कि आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है, आपको नया सिम कार्ड लेना पड़ता है, उसको फिर एक्टिव करना, ये सब प्रोसेस होती है। अब अजान देखकर, अजान सुनकर मैं भी घबरा गया कि पहली फजर की नमाज़ फोट हो जाएगी, मुझे आइडिया नहीं आई कि ये तहज्जुद की अजान है। अब मैं थका हुआ भी बहुत था, सामान भी था साथ में, और अभी होटल ढूंढना बाकी था, वो कार्ड था मेरे पास होटल का, तो मैं थोड़ा चला सामान लेकर, बैग दोनों खींच के। वहाँ दो आदमी मेरे को नज़र आए, उसमें से एक पाकिस्तानी था और एक बांग्लादेशी था, मेरे ख्याल से दोनों उर्दू में बातें कर रहे थे। मैंने कहा चलो अपनी ज़ुबान का आदमी मिल गया तो बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने उनसे एड्रेस पूछा कि भाई ये होटल पर मुझे जाना है, बोले कि बस वो इधर है, यहाँ से जाओ एक गली यूँ मुड़ो, फिर जाओ यूँ मुड़ो, यूँ मुड़ो। तो 2-3 मरतबा मुड़ने का उन्होंने बताया, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा भाई आप गाड़ी वाले हैं, एक काम करो आप मुझे छोड़ दो। तो क्या लेंगे किराया छोड़ने का?
बोले 15 रियाल, 15 रियाल यानी 300 रुपये तकरीबन इंडिया के। मैंने कहा तुम कह रहे हो कि यहाँ करीब में है और अभी इतने में 15 रियाल आप कह रहे हैं। बोले कि भाई आना हो तो चलो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसके हवाले बैग किया तो वो ट्रॉली बैग खींच कर चलने लगा। हम तो बहुत चले, मैं भी उसके पीछे बहुत चला, फिर मैं थक गया। मैंने कहा भाई वो गाड़ी कहाँ है? कहा कि गाड़ी से छोड़ने थोड़ी आता हूँ, चल के छोड़ जाऊँगा। चल के छोड़ कर जाने के 15 रियाल और अभी बता रहा कि इधर होता और होगा भी इतना, तकरीबन यहाँ से स्टेशन वाली मस्जिद तक का होगा तकरीबन, लेकिन उसके 15 रियाल उसने लिए। तो मैं अपने मिजाज के मुताबिक फिर उस पर गर्म हुआ। मैंने कहा भाई हम अल्लाह के घर के मेहमान हैं, ज़रा तो शर्म करो, अभी तो मैं उतरा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। मैं समझा कि गाड़ी में छोड़ जाएगा तो इसलिए 15 रियाल मैंने हाँ कह दिया। उसका जवाब क्या था कि तू जन्नत में से आया हो कि जहन्नम से आया हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे 15 रियाल पहले दे दे। ये है दुनिया परस्ती, सौदेबाजी का, और ये हरम के बाहर किसके साथ हो रही है? अल्लाह के घर के मेहमान के साथ। लेकिन उनको कोई परी नहीं है कि ये मेहमान है। वो ट्रॉली बैग खींच कर मुझे ले गया, उसके 15 रियाल उसने पहले ले। ये होती है दुनिया परस्त। आदमी अंधा हो जाता है, फिर जरा भी ख्याल नहीं करता कि दुनिया कैसी आ रही है। सामने वाले का दिल दुखता है कि वो अजनबी है, कि वो गरीब है, वो किस तरीके से अपना गुजरान चलाता होगा। उनको कोई लेना देना नहीं होता है, अपनी जेब भरनी। कुरान ने ऐसे लोगों के सामने बहुत सी जगहों पर जंग का ऐलान कर दिया है, उनकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत की है। और सूरह कहफ के अंदर एक वाकया नकल किया है, मादियत परस्ती यानी दुनिया परस्ती और उसके मुकाबले में आखिरत, दोनों के बारे में एक वाकया कुरान ने। ये वाकया चाहे पहले ज़माने में पेश आ चुका लेकिन तकरीबन आज भी हमारे सामने पेश आता है ऐसा वाकया। मैं अभी आपको इस सामने वाकया बयान करता हूँ इंशाल्लाह कि मादियत परस्ती और दुनिया परस्ती क्या है। खैर, सूरह कहफ में वद्रिब लहुम मसलर रजुलैन जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ। ये जो रुकू है उसके अंदर वाकया ही बयान किया है कि दो आदमी थे, एक काफिर था एक मुसलमान था। काफिर जो था, अब उनका तो मकसद ही दुनिया होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दुनिया बहुत दी थी, उसको दो बाग दिए थे, गार्डन बाग, दोनों थे अंगूरों के, अंगूर लगते थे अंदर, और बहुत बड़ा बाग था अंगूरों के चारों तरफ। जैसे हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, वहां पर खजूर के दरख्त थे, एक दीवार की तरह कायम हो गए थे, एकदम देखने लायक मंजर। अब खजूरें भी आ रही हैं, अंगूर भी आ रहे हैं, और इनको पिलाने के लिए पानी चाहिए तो अल्लाह ताला ने बीच में पानी की नहर भी जारी कर दी थी। सब कुछ अल्लाह ने इसको दिया था, फल भी है, पानी की नहर भी है। और उससे बड़ी बात कि जैसे ही सीजन आता फल बहुत पकते, उसके अंगूर भी बहुत, खजूर भी बहुत पकते, एकदम अच्छी पोजीशन में था। ये सब मालो दौलत देखकर वो आदमी दुनियादार बन गया, दुनिया परस्त बन गए। और जब दुनिया आती है तो अपने साथ फसाद जरूर लाती है, तकब्बुर लाती है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को कहा था फत्तकुल्लाह वातियून, कि अल्लाह से डरो और मेरी फरमा बरदारी करो। तो उन्होंने क्या कहा था मालदारों ने, कौलू अनुमिनु लक वत्तबअक अर्दलून, के नूह हम तेरी बात कैसे मान लें, तेरे मानने वाले कौन है? सब खस्ता हाल लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने के ठिकाने नहीं, तो हम तेरी टीम में शामिल हो जाए, तेरी जमात में शामिल हो जाए, हमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहे। ये तकब्बुर दौलत पैदा करते। इसी तरह कुरान ने 22वीं सिपारे में भी नकल किया है कि वो क्या कहते थे कि भाई यही दुनिया है, अल्लाह ने हमें यहाँ सब कुछ दिया है, यही खा पी कर मर जाना है, आखिरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जिसको अल्लाह ताला ने बाग दिए थे, दौलत दी थी, आखिरत से उसका यकीन हट गया था, दुनिया परस्ती और मादियत परस्ती के नशे में वो आदमी अंधा था और आखिरत का इनकार करने लगा और क्या कहने लगा कि आखिरत कहीं कायम होने वाली नहीं है, कयामत जन्नत दोजख ऐसा कहीं है नहीं, और अगर मान भी लेवे कि ऐसा कहीं हुआ, वलई रुदित इला रब्बी, अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया, कयामत आ भी गई, मान लो तुम्हारे कहने के मुताबिक, लाजिदन खैरम मिनहा मुनकलबा,
तो यहां तो दो गार्डन अल्लाह ने दिए हैं, इससे ज्यादा मुझे वहां मिलेगा। गोया जो कुछ मिला उसको अपना हक समझते हैं, ये तो हमारा हक है इसके ऊपर, यहां मिला ऊपर भी अल्लाह दिया। पहले तो आखिरत का इनकार, अल्लाह का इनकार, ये तमाम चीजों के पीछे अल्लाह की कुदरत काम करी है उसका इनकार, डायरेक्ट उसको अपना हक समझते हैं। और अगर मर भी गए तो वहां भी अच्छा मिलेगा चाहे मुसलमान नहीं। उसका एक दोस्त था, वो गरीब था और मुसलमान था, और मुसलमान है तो उसका ध्यान आखिरत की तरफ होता है। उसने अपने साथी को समझाया, قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب, कि तू अपने उस रब का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, यानी आदम अलैहि सलाम को मिट्टी से बनाया था, उससे नस्ल चली तो पहले मिट्टी से बनाया, ثم من نطفه फिर मनी के नापाक कतरे से पैदा किया, ثم سواك رجلا फिर तुझे भला चंगा आदमी बनाया, तंदुरुस्त बनाया, सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया, वलव लाइक दखलत जन्नतक कुलत माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये असल बात कि जब तू गार्डन में बाग में दाखिल होता है तो तू ये क्यों नहीं कहता कि ये जो कुछ भी है माशा अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो है, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह अगर ना चाहे तो कोई भी चीज हमें मिल सकती नहीं है। ये बुनियादी अकीदा कि आदमी के पास कितना भी कुछ हो लेकिन उसके जहन में माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह होना चाहिए, कि ये सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह ने चाहा तो है, अगर वो चाहे तो ये पल भर में क्या हो जावे, खत्म हो जाए। खैर वो गरीब मुसलमान ने इसको बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं, और अपनी जो दौलत थी उस पर फख्र करने लगा, घमन करने लगा, अल्लाह का और आखिरत का इनकार करने लगा। ये जो गरीब मुसलमान था उसने फिर समझाया, फासा रब्बी अन युती यानी खैर मिन जन्नतिक जन्नतिक, कि देख ऐसा भी हो सकता है कि मेरा रब तेरे बाग से अच्छे बाग मुझे दे दे, क्योंकि सारा सिस्टम तो उसके हाथ में है, सारा खेल तो उसके हाथ में है। वही रुसिल अलैहा हुस्बान मिनस समा, और तेरे बाग के ऊपर कोई आफत आ जाए, फतुसबिहा सईदन ज़लका, और फिर सब सारा खेल खत्म हो जाए। ये जो पका पकाया खजूर है अंगूर है कुछ भी तेरे हाथ में ना आवे, सब हलाक हो जाए और तेरी जगह मुझे अच्छा मिल जाए। लेकिन वो उसकी बात को मानता नहीं था। और युस्बिहमा उहा गौरन फलन तस्तिया लहु तलबा, ये अल्लाह चाहे तो ये भी हो सकता है कि जो नहर जा रही है पानी की उसका पानी नीचे उतर जाए जमीन में, फिर तू कहाँ से लाएगा पानी। वो मुसलमान उसको ध्यान दिला रहा था कि जो जाहिरी चीजें तुझे मिली है उसमें तेरा कोई कमाल नहीं, और ये चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है, इसके पीछे खुदाई सिस्टम काम कर रहा है उस पर यकीन रख। लेकिन उसने माना नहीं। वो वही तभी तमरी फास बहा युकल्लिबु कफ्फैहि अला मा अनफक फीहा वही खावियतुन अला उरूशिहा वयकूल या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा। ये बातचीत करके अलग हुए, अपने अपने घर गए, और रात को उसके बाग के ऊपर गार्डन के ऊपर आसमानी आफत आई और सारा खेल खत्म कर दिया, खजूर भी खत्म हो गए, अंगूर भी खत्म हो गए, नहर का पानी भी सूख गया और बिल्कुल खाली हाथ हो गया। दूसरे दिन जाकर जब उसने देखा तो सर पे हाथ रखकर बैठ गया और हाथ मलता रह गया कि कल तो मैं करोड़पति था आज रोडपति हो गया, और फिर अफसोस करके कहने लगा वह अकूल या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैं अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न करता। जैसे वो मुसलमान दोस्त मुझे समझा रहा था उसके कहने के मुताबिक अल्लाह को मान लेता, आखिरत को मान लेता तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला मेरी ये माल और दौलत छीन नहीं लेता। तो ये ध्यान दिलाने के लिए हमें बार बार अलग अलग मौकों पर खर्च करने की तरगीब दी जा रही है कि सिर्फ जमा ही करते रहोगे तो आखिरत से ध्यान तुम्हारा हट जाएगा। इसलिए कभी कहा आप ज़कात दो, कभी कहा सदका फितर अदा करो, कभी कहा नफली सदकात दो, रिश्तेदारों को दो, मांगने वालों को दो, मिस्किनों को दो, पड़ोसियों को दो। ये बार बार क्यों दिलाते हैं? ताकि तुम्हारा ध्यान किसकी तरफ रहे? अल्लाह की तरफ रहे। इसलिए शरीयत ये चाहती है कि माल और दौलत किसी एक जमात के साथ एक टोली के पास आकर जमा ना हो जावे, और समाज मुआशरे और सोसाइटी में दो अलग अलग जमातें ना बन जावे, माशी एतबार से माली एतबार से दोनों में फासला ना हो जावे। इसलिए माल घूमता रहे। इसलिए ज़कात का हुक्म है कि पूरे साल में एक भाई ने बहुत कमाया दूसरे के पास कहीं नहीं आया, तो जिसने कमाया उसको हुक्म है कि वो दूसरे को भी दे, तो वो फासला नहीं बढ़ जाएगा।
आज दुनिया में यही हो रहा है कि मालदार बहुत ज्यादा मालदार हो रहे हैं और गरीब दिन ब दिन और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, इसलिए सारे लड़ाई झगड़े इसी से खड़े हो रहे हैं, फसादात इसी से बरपा हो रहे हैं। ये जो माल की तकसीम का सिस्टम शरीयत ने बनाया, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू है रिश्तेदारों को देना, जिनके हुकूक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तय फरमा दिए। एक तो माँ बाप को देना, उसके बारे में तो आ गया कि उनके माली हुकूक जो है वो भी अदा करो। उसके बाद नंबर आता है करीबी रिश्तेदारों का, महरम भी हो, जी रहम महरम जिसको कहते हैं, रिश्तेदार भी है, नसबी रिश्ता है, भाई है। एक भाई की पोजीशन अच्छी है, दूसरी की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो जिसकी अच्छी पोजीशन है उसके लिए ज़रूरी है कि अपने गरीबी भाई को दे, उसकी भी थोड़ी माल के जरिए मदद करें। भांजे हैं, नवासे हैं, पोते हैं, भतीजे हैं, इनकी अगर पोजीशन अच्छी नहीं है तो आदमी उनकी मदद करें। वातिदल कुर्बा हक कहूँ, और अल्फाज क्या है, रिश्तेदारों को उनका हक दो, यानी ये देकर तुम उन पर कोई एहसान करने वाले नहीं हो, उनका तो हक था ही तुम्हारे माल के अंदर। मैंने कमाया तो मैं ये समझू कि ये सब मेरा है, मैंने कमाया नहीं, ये थिंकिंग और ये सोच कुरान कैंसिल करता है कि ऐसा मत समझना कि तुमने कमाया तो तुम्हारा हक है। तुम्हारे माल में तुम्हारा हक तो है, लेकिन उसके साथ दूसरों का भी है। वातिदल कुर्बा हक कहो, उनको उनका हक दो, यानी देने के बाद एहसान जताने का तुम्हें कोई हक नहीं, क्योंकि तुमने जो दिया वो तुम्हारी जिम्मेदारी अदा की। मैंने अभी असर की नमाज पढ़ी, वो फर्ज थी मेरे ऊपर तो पढ़ी, उसको मैंने क्या किसी पर एहसान किया, मेरी जिम्मेदारी थी मैंने पूरी। अब तुम अपने रिश्तेदारों को दोगे तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम पूरी कर रहे हो, उसमें तुम उन पर एहसान नहीं कर रहे हो। इसलिए हक कहू का लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल मिस्कीन, मोहताजों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उनको भी कहो मिस्किनों को। वबन सबील, मुसाफिर है, चाहे अपने वतन में मालदार है लेकिन किसी अजनबी जगह पर कोई आदमी पहुंच गया, उसके खाने पीने का इंतज़ाम है, वापसी के किराए का इंतज़ाम है, वो बस्ती वालों के पास क्या हो जाएगा, उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि कोई ऐसा मुसाफिर आ गया जिसके वापसी का इंतज़ाम नहीं है, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, तो बस्ती वालों के लिए ज़रूरी है उसके लिए सब इंतज़ाम कर दें। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फ़र्ज़ करार दिया है, ये ज़रूरी है। माल खर्च करने में एक बहुत बड़ा हिस्सा मीरास का है, जिसके बारे में आमतौर पर कोताही पाई जाती है। बाप मर गया, अब बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, यानी लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, उसमें होता क्या है कि लड़के लड़के बाप की जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं और बहनों को हिस्सा देते नहीं हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बारे में पारा नंबर 4 सूरह निसा में अल्लाह ताला ने बाकायदा आयतें नाजिल फरमाई, सबके हिस्से मुकर्रर फरमा दिए, और उसमें फरमाया फरीदतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तुम पर फर्ज है कि जिसका जो हिस्सा शरीयत ने तय किया है, नक्की किया है, उसके मुताबिक फौरन दे दो। अब इसमें हमारी औरतों पर बहुत जुल्म होता है। पहले तो शरीयत इस्लाम से पहले क्या था दूसरे मजहबों में कि मीरास और तरके में औरतों का कोई हक था ही नहीं, सब मर्द ही ले लेते थे, लड़के ही ले लेते थे, शरीयत ने आकर उनका हिस्सा दिलाया और बाकायदा हिस्से तकसीम किए सिंगल डबल के एतबार से, चूँकि मर्द को डबल मिलेगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, उसको अपनी फैमिली का भी करना है, माँ बाप जिंदा है तो उनका भी करना है, भाई बहन में से कोई गरीब है उनको भी देना है, और लेडीज़ जो है उनका हिस्सा सिंगल रखा है क्योंकि उसको यहाँ से एक हिस्सा मिलेगा, शोहर भी उसके ऊपर खर्च करेगा, उधर से भी उसको मिलेगा, उसकी बड़ी औलाद है उनके उसमें से भी ये ले सकती है, तो इसको सब तरफ से इनकम है, इसलिए उसका हिस्सा सिंगल, और मर्द की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, उसको देना है दूसरों को, तो उसको मीरास में से डबल हिस्सा। लेकिन मीरास में क्या करते हैं, हक मार देते हैं, मीरास अदा करते नहीं। और औरतों को क्या है कि अगर भाई के पास मांग लिया, अब शादी करके दूसरे गांव चली गई, दूसरे शहर में रहती है, भाई के पास बाप की मिल्कियत में से हक मांग लिया, तो फिर ये घर उसके लिए बंद हो जाता है, फिर वो किसके घर जाएगी, भाई उससे नाराज हो जाता है, ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर ये बहन सोचती है कि एक ही तो घर है गाँव में आने के वास्ते भाई का, माँ बाप है नहीं, अब अगर मांगेंगे और भाई नाराज हो गया तो ये घर भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए बेचारी औरतें मांगती भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में चौथे पारे में सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबके हिस्से मुतय्यन फरमा लिए और बड़ी ताकीद के साथ आखिर में फरमाया फरीदतन मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह जानता भी है कि तुम्हें कितनी ज़रूरत पेश आने वाली है और हिकमत वाला भी है, इसलिए हिकमत के तकाजे के मुताबिक सबके हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक अंसारी औरत आपके सामने आई,
उसके साथ दो लड़कियां थी उसकी, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। क्या कहा कि हुजूर मेरे जो शोहर थे वो गज़वे उहद में आपके साथ शरीक थे लड़ाई में, लेकिन वो उसमें शहीद हो गए। अब उन्होंने जो माल दौलत छोड़ा था वो उनके भाई ने, यानी ये लड़कियों के चचा ने सब ले लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं। अब ये लड़कियां भी खाली हाथ हैं, मैं भी खाली हाथ हूँ, और हुजूर अगर ये लड़कियां खाली हाथ रही तो इनके साथ निकाह करने के लिए तैयार कौन होगा? कुछ ही नहीं होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप रुक जाओ, इंतज़ार करो, अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाजिल होगा आपके बारे में। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा के 11 नंबर की आयत युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि तुहद्दिरुन सैन, ये पूरी आयत नाजिल फरमाई। आयत नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को, उसकी दोनों लड़कियों को और वो जो चचा था जिसने सब कुछ ले लिया था, उन सबको बुलाए और ये आयत पढ़ के सुनाई, और चाचा से कहा कि जितना माल तुम्हारे भाई छोड़कर गए थे, यानी ये लड़कियों के बाप छोड़कर गए थे, उसमें से दो तिहाई हिस्सा लड़कियों को दे दूँ, तीन हिस्से को, दो हिस्से लड़कियों को दे दूँ और आठवां हिस्सा वो औरत को दे, बेवा जिसका शोहर मर गए, उसके बाद जो बचता है वो तुम ले। इस तरीके से हुजूर ने उनको उनका हक दिलवाया और शरीयत ने कयामत तक के लिए कानून नाफिज कर दिया कि मीरास इस तरीके से तकसीम की जाए। अब जिसको देने का शरीयत कहती है उसको हम दे नहीं रहे मीरास को, और जिससे शरीयत मना करती है उसको हम ले रहे हैं। शादी का मौका है, एक बाप ने अपनी लड़की को 20-22 साल तक खिला पिला कर बड़ा किया, आज वो बाप अपनी लड़की किसी के निकाह में दे रहा है, बाप गमगीन है, माँ गमगीन है, 20 साल से जो बच्ची घर में रही थी अब हमेशा के लिए जा रही, अब आएगी वो भी मेहमान बनकर आएगी, बाप आएगा तो वापस आने वाले नहीं। बाप के सीने पर पहाड़ टूटा हुआ है मुसीबतों और गमों का, माँ बेचैन है, उनके सीनों में बेचैनी है कि हमारी लड़की चली जाएगी, जिगर का टुकड़ा चला जाएगा। इन सब पोजिशन को सामने रखकर शरीयत ने शादी के मौके पर लड़की वालों पर कोई माली हक वाजिब करार नहीं दिया कि लड़की के साथ इतने हजार देने होंगे दूल्हे को और लड़की के साथ इतनी गाड़ियां देनी होगी दूल्हे को, शरीयत ने, बल्कि लड़की वालों को तो खाना खिलाने का हुक्म भी नहीं कि शादी है लड़की की तो आप मंडप डाल दें और आप खाना खिलावें, ये है ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो गम में है आज, ये तो परेशानी में, मरे हुओं को डबल मार क्यों मारे, इनकी तो लड़की जा रही है, ये तो फिर इंसान ऐसे टेंशन क्यों बर्दाश्त कर लेता है। चूंकि माँ बाप अपनी औलाद की खुशी में खुश होते हैं, औलाद के भले में खुश होते हैं, वो जानते हैं कि चाहे हमसे जुदा हो रही है लेकिन अब उसकी ज़िंदगी तो बन जाएगी, उसकी खुद की एक ज़िंदगी होगी, ये सुख माँ बाप सोच सोच कर सब्र कर लेते हैं कि चाहे यहाँ से जा रही है लेकिन उसका खुद का एक संसार होगा, उसकी खुद की एक दुनिया होगी। ऐसे मौके पर शरीयत ने मना किया, आप जहेज ले ही नहीं सकते, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह नहीं है शायद ये सब चीज़ें, बाकी यूपी बिहार के इलाकों में कभी कभी वो सफ़ीर लोग आते हैं या उलमा आते हैं मांगने के वास्ते, फिर उनकी दास्तानें सुनते हैं तो ताज्जुब होता है। गुज़िश्ता साल एक साथी ने मेरा भी कॉन्टेक्ट किया था, एक दो साल पहले, लड़की 30-32 साल की है, 10वीं तक पढ़ी हुई है, कुरान की पूरी हाफिज़ है, पूरी हाफिज़, ऐसी दो लड़कियाँ उनके घर में, मुझे कहने के आपके गुजरात में कोई आलिम हो तो बता दो, क्योंकि आपके गुजरात में जहेज लेते नहीं। मैंने पूछा कि ये 30-35 साल तक लड़कियाँ घरों में क्यों है, कहा कि यहाँ तो 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए देने पड़ते दामाद को, जिससे शरीयत ने रोका वो हम कर रहे हैं, मना किया वो हम ले रहे हैं, जहेज नहीं ले सकते, तो रिश्वत, ये तो गुनाह है हराम, और जो देने का कहा वो दे नहीं रहे, औरतों को मीरास में हिस्सा नहीं दे रहे और जहेज में उल्टा दे रहे, ये है जुल्म, और जुल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जल्दी नाराज़ हो जाए। इसलिए शरीयत ने हमें क्या हुक्म दिया कि सिर्फ सब जगह से हम लेते ही रहें ये सोच छोड़ दो, वाती दल कुर्बा हक कहूँ, अपने ऊपर जो दूसरों की जिम्मेदारियाँ हैं उसको अदा करने की कोशिश करो। एक रिवायत का खुलासा है, हुज़ूर ने फरमाया कि आखिर ज़माने में बहुत फितने आएंगे, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि हम कैसे बचें, उस वक्त हमें क्या करना है, उस वक्त हुज़ूर ने फरमाया था, बिल्कुल मुख्तसर वो रिवायत में आपको कह रहा हूँ, हुज़ूर ने फरमाया था कि तुम्हारे ऊपर जो दूसरों के हुकूक हो वो अदा करते रहना,
और तुम्हारे हक जो दूसरों के ऊपर है वो अदा करे तो ठीक, नहीं तो सबर से काम ले ले। आज के दौर में इसकी जरूरत है कि मेरा हक किसी पर है वो अदा करे तो ठीक, लेकिन मेरे ऊपर जो दूसरों का हक है वो मैं उनको अदा करता। इसीलिए हम जुबान से कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से मोहब्बत है, तो वो साबित करने के लिए ज़कात का हुक्म है कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे नाम पर देकर दिखाओ, और माशाल्लाह अल्लाह वाले देते भी। तो आज की आयत में जो बात हमने पढ़ी, दो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में बयान फरमाए। एक के बारे में हमने सुना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुकूकुल इबाद जो है, यानी जिन बंदों के आपके ऊपर हुकूक है उनको अदा करो, और दूसरा हुक्म है फजूल खर्ची मत करो, उसके बारे में इंशाल्लाह आइंदा कल पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कई सारी बातों पर अमल की तौफीक अदा करें।